भाई आज 15 अगस्त, 15 अगस्त किसने सोचा था कि 15 अगस्त ही तारीख चुनेंगे महेंद्र सिंह धोनी टू अनाउंस हिज रिटायरमेंट। मैं अंग्रेजी की एक लाइन है वो बोलना चाहता हूँ कि किस तरह, मतलब जो बड़े लोग जाते हैं तो कैसे जाते हैं। देखो, चैंपियंस डोंट लीव विद अ बैंग, कहते हैं ना, द चैंपियंस डू नॉट लीव विद अ बैंग, दे डू विद अ विम्पर, मतलब बिना आवाज आए खामोशी में चले जाते हैं। मैं पिछले 1.25 साल से ये चीज राहुल कह रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी एक बेहतर फेयरवेल डिजर्व करते थे, अपने लिए भी और उनके फैंस के लिए भी। जी, वर्ल्ड कप उन्होंने तय किया था उनका लास्ट होगा, सेमीफाइनल में इंडिया हार गया और उनके चेहरे पे वो मायूसी थी। और पिछले 1.25 साल से सारे फैंस ये पूछते रहते हैं कि भी धोनी का अगर ये मैच अच्छा हो गया, आईपीएल अच्छा हो गया, क्या वो वापस आ सकते हैं। और हमेशा मैंने कहा कि देखिए, वो वापस नहीं आएंगे, वो इंटरनेशनल क्रिकेट भारत के लिए आखिरी खेल चुके हैं। और ये भी कि जी कभी रवि शास्त्री बोल देते थे, कभी कोई बोल देता था, तो मैं तब भी कहता था कि ये फॉर्मेलिटीज हैं। सबको सब कुछ पता था, धोनी को भी पता था और टीम को भी पता था, खिलाड़ियों को भी पता था। जब रिटायरमेंट की बात की जाती थी तो धोनी कहते थे भी मैं अनाउंस क्यों करूं, जिनको बताना उनको बता दिया है। लेकिन आज आप हैरान हुए जो टाइमिंग है, कल वो चेन्नई पहुंचे हैं, आज से उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, ना सिर्फ धोनी ने बल्कि उसके बाद सुरेश रैना ने भी अपनी रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर। आपने बोला हैरानी हुई, देखिए ये बात हम लोगों को पता था, जैसे आपने बोला कि एमएस धोनी ने डिसाइड तो कर लिया था कि उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच जो है वो खेल लिया था, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और हम यही सोच रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट अनाउंस कब करेंगे, उन्होंने डिसीजन तो ले लिया है बट अनाउंसमेंट कब होगी। और ये भी हम, अगर आपको याद हो कि आज से 3 दिन पहले ठीक किसी ने स्पोर्ट्स तक पर ही ये सवाल पूछा था, हमने एक एजेंडा किया था 8 बजे कि कौन कौन वो प्लेयर्स हैं जो वापस आ सकते हैं, जो वापसी देख रहे होंगे इस आईपीएल के रास्ते। तब हमने बोला था कि यार कि एमएस धोनी की रिटायरमेंट कभी भी अनाउंस हो सकती है और वो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड एमएस धोनी से। बट रहा सवाल सुरेश रैना का, आपने बोला, मुझे याद है जब एमएस धोनी का बर्थडे था जुलाई में, तो पूरा हफ्ते दो हफ्ते सुरेश रैना की इंस्टाग्राम पे अगर आपने डीपी देखी हो तो उन्होंने एमएस धोनी के साथ एक डीपी लगाई थी। तो आज उन्होंने वो दोस्ती जो है एमएस धोनी की और उनकी जो वो दोस्ती है उस पे एक बड़ी मिसाल उन्होंने कायम कर दी है। हालांकि मुझे बहुत मुश्किल हुआ ये यकीन करने में कि 33 साल के सुरेश रैना क्या वो अपना इंटरनेशनल करियर दे मान चुके हैं कि ख़त्म हो चुका है। दूसरा, मुझे लगता है कि सुरेश रैना ने, मुझे थोड़ी सी एक नाराजगी है उनसे, आज नहीं करना चाहिए था, मुझे करना उनसे भी था तो आज नहीं करना, मुझे उनसे ये नाराजगी है। मैंने अपने सुरेश रैना का भी देखिए, इतने बड़े प्लेयर जी, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन, और जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी अगर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं राहुल, तो जाहिर तौर पर बात धोनी की होती है। आज रैना की उतनी बात नहीं हुई जितनी वो डिजर्व करते हैं। मैंने इनफैक्ट अभी ट्वीट भी, हालांकि देखिए बहुत लोग ये बोल भी सकते हैं कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप देखिए मैं उनकी, ये सुरेश रैना का अपना पर्सनल रीजन है, बट मुझे ये लगा कि सुरेश रैना ने हम करोड़ों लोगों से, उनके जो इतने सारे फैंस हैं उनसे कि ये अपॉर्चुनिटी छीन ली कि जिस दिन वो रिटायरमेंट अनाउंस करते पूरी दुनिया उनका करियर सेलिब्रेट करती। बट ये उनका अपना डिसीजन है, और अगर हम महेंद्र सिंह धोनी पे वापस आए तो अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कहूंगा, बट हाँ ये है कि टाइमिंग शॉकिंग नहीं था, लेकिन उन्होंने आपको इतना वक्त दे दिया था जी। ये है कि हम हमेशा बात करते थे कि यार वो जिस दिन करेंगे होगा ऐसे ही, पता नहीं चलेगा, मतलब ऐसा नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो। उन्होंने एक इंस्टा पोस्ट डाली और पोस्ट भी ऐसी थी कि लोग, उन्होंने लिखा बट लोग पूछ रहे थे कि वाकई सही है क्या, ये वाकई सही है क्या, ये वाकई सही है। 15 सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि यार ये सही है भी है कि नहीं है, बट आई थिंक एक इमोशनल उनका वो पोस्ट था। और हम सबके लिए आई थिंक आज धोनी को, आज क्या पिछले 15 साल 16 साल से हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज भी, आज तक पे मैं लाइव था, आपने सारा शो देखा होगा, राहुल इंडिया टुडे पे लाइव थे वो भी आपने देखा, स्पोर्ट्स तक पे भी देखा, इसीलिए शायद हम स्पोर्ट्स तक पर थोड़ा लेट हो गए हैं। लेकिन मेरे पास एक प्राइज्ड पोजेशन है, अब ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी ये दिखाऊंगा, और मुझे याद आया, मैंने ईशान को कहा यार वहां से निकालो, मुझे याद था पड़ा का है, ये मेरा वर्ल्ड कप का एक्रेडिटेशन है साहब,
वर्ल्ड कप का एक्रेडिटेशन है और इस पे ये पिछले साल का वर्ल्ड कप है, ये माही उनके मार्कर से उन्होंने ऑटोग्राफ दिए थे। राहुल ये पता किस दिन मैंने ऑटोग्राफ लिए थे? जो मैनचेस्टर में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था उससे एक दिन पहले। मुझे लगा यहाँ पर इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है, मैंने माही को कहा, मैंने कहा मुझे पता है कि आपका ये लास्ट वर्ल्ड कप है, तो भाई ये मेरी वर्ल्ड कप की एक्रेडिटेशन है, इस पर आप ऑटोग्राफ दे दो। तो उन्होंने मुझे कहा कि पक्का इस पर मिट ना जाए। मैंने कहा आपने काम ही ऐसे किए हैं कि आप मिट नहीं सकते हो हमारे जहन से, आप इस पर कीजिए। फिर मजाक में मैंने ये जरूर उनको कहा, मैंने कहा वैसे तो मुझे पता है कि अभी आपने लॉर्ड्स भी जाना है, बट वहाँ पे इतना आप लोग बिजी हो जाओगे फाइनल में, तो मुझे पता नहीं आप मिलोगे नहीं मिलोगे, तो हंसना शुरू हो गए। तो उन्होंने ऑटोग्राफ दिए, ये ऑटोग्राफ दिए, उसके बाद जिस तरह से वो आउट हुए उनके चेहरे पे वो तनाव दिख रहा था, वो पता चल रहा था। महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े प्लेयर थे जी, जब वो आए थे नहीं था किसी को पता कि वो इतने बड़े प्लेयर बनेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जो सवाल है ना, जो आपकी यादें हैं, आज आप हमें बताइए कि यादें क्या हैं। रावत राहुल 9 इनका ट्विटर है, रावत राहुल 9 है इनका इंस्टाग्राम है, फटाफट से फॉलो करके आस्क स्पोर्ट्स तक बहुत हैशटैग के साथ। और मेरा इंस्टाग्राम है vikrant.gupta73, मेरा ट्विटर है vikrant.gupta73, आप मुझे भी सवाल भेज सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कुछ लाइव सवाल जो है हम आप लोगों के लें। मेरे लिए यादें हैं जब परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था धोनी को डोंट कट योर हेयर। मेरे लिए याद वर्ल्ड कप का वो छक्का है फाइनल का। मेरे लिए याद वो जोगिंदर शर्मा को आखिरी ओवर कराना भी है, शायद सौरभ गांगुली को वो फेयरवेल देना, दादा को लास्ट सेशन में कहना कि आप थोड़ी देर कप्तानी कीजिए। उन सौरभ गांगुली को जिनको उन्होंने कोई तकरीबन 8 महीने पहले वनडे टीम से ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप भी किया था। तो ये उनका जो मर्जी, उस वक्त मैं उनसे नाराज भी हुआ, सौरभ गांगुली के फैंस नाराज हुए, लेकिन बाद में वो सही साबित हुए। आज अच्छी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी ने उन लोगों को गलत साबित किया, और ये ध्यान से सुनिए, बुरा मत मानिए, उन लोगों को गलत साबित किया जिनको ये लग रहा था कि धोनी अभी भी क्रिकेट के लालच में फंसे हुए हैं कि जी मेरा एक आईपीएल अच्छा चले जाए, मेरे 2 IPL अच्छे चले जाए और मैं दोबारा से इंडिया के लिए खेल लूं। मैं बड़ा, ये नहीं है कि आपने गलत नहीं सोचा, आप धोनी के फैन हैं, इंडियन क्रिकेट के फैन हैं, लेकिन ये सोच गलत थी। मैं हमेशा ये कहता था कि धोनी बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं यार, कप्तान रहे हैं, और जो पैमाना उन्होंने दूसरों के लिए रखा उस पैमाने पर अपने आप को फेल नहीं होने देंगे कि जी मैंने उसको ड्रॉप करवा दिया लेकिन अब मैं लालच में फंसूं और मैं वर्ल्ड T20 खेल लूं। मतलब मुझे लगता है ये धोनी का जाते जाते ना ये सबसे बड़ी चीज थी कि वो क्रिकेट के लालच में, उन्होंने आपको बता दिया था कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। उन्होंने कभी ये आके नहीं बोला कि मैं खेलूंगा, उन्होंने ये भी नहीं बोला मैं नहीं खेलूंगा। लोग जो है वो कयास लगाते रहे, और चूंकि वो महेंद्र सिंह धोनी थे तो उन पर चर्चा होती रही। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, हम लोगों से भी आपको, आप लोगों ने हमेशा ये सवाल पूछते रहे, बहुत लोगों को इस बात की नाराजगी भी थी कि आप ऐसी बातें क्यों बोलते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी अपना आखिरी जो मैच है, होते हैं, लोग बहुत नाराज खेल चुके हैं। तो खैर, एक सेकंड आप ये लीजिए, मैं एक पलन कश्यप है वो कह रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी याददाश्त जो मेमोरी है महेंद्र सिंह धोनी की, वो है वो बांग्लादेश वाला वो रनआउट जिसमें उन्होंने दस्ताना उतार दिया था, और इंडिया वो वर्ल्ड T20 का मैच बैंगलोर में। वाकई यार उन्होंने बहुत कुछ किया यार, तो बहुत कुछ किया, नो डाउट। मतलब और बड़ी बात ये नहीं है कि सिर्फ धोनी थे उस युग में, उस युग में उनसे पहले वाले युग में देखिए, अनिल कुंबले, श्रीनाथ, सहवाग, गंभीर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्राविड, सौरव गांगुली, लक्ष्मण, जहीर खान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, इनके साथ बहुत प्लेयर खेले हैं, जिसमें सुरेश रैना भी मैं मानूंगा कि एक वनडे क्रिकेट के आपके लेजेंड थे। फिर विराट और यंगस्टर्स आए, उन्होंने उनको भी बनाया। शायद ये उनकी लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी थी राहुल, कि एक छोटे शहर से, कंपैरेटिवली छोटे शहर से आके आप इतने बड़े बड़े दिग्गजों की कप्तानी कर गए, जो पहले से एस्टैब्लिश दिग्गज थे। अभी इनफैक्ट इंडिया टुडे पे आज तक के बाद आपके साथ सनी भाई थे, उसके बाद वो इंडिया, उन्होंने एक अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि कपिल देव और MS धोनी खैर अपनी कप्तानी के लिए जाने जाएंगे। देखिए, दो वर्ल्ड कप आपने जीते, उन्होंने जो सिमिलैरिटीज बताई, उन्होंने कहा दो ऐसे इंसान आए, वो उन शहरों से आए जहाँ पे आप क्रिकेटिंग सिटीज नहीं बोल सकते हैं, आप रांची को क्रिकेटिंग सिटी नहीं बोल सकते हैं, आप उस शहर को, उस स्टेट को आप हॉकी की के लिए जानते हैं। फिर कपिल देव की उन्होंने बात करी, इन दोनों ने जो क्रिकेट को बदला है या क्रिकेट की जो पिक्चर है जो आप लोगों के मन में छोड़ी है, आई थिंक वो हमेशा रहेगी। बट मैं एक बात आपसे और पूछना भी चाहूँगा, डिस्कस भी करना चाहूँगा, ठीक है, हम सब जानते हैं
महेंद्र सिंह धोनी की क्या फैन फॉलोइंग है, लोग उनको कितना प्यार करते हैं। हम उनको बहुत प्यार करते हैं, बट हमेशा एक कैप्टन जो होता है ना, उसके लिए डिफरेंसेस काफ़ी होते हैं लोगों के लिए, कि प्लेयर्स जो होते हैं टीम में, क्योंकि आपको डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं। फिर चाहे वो सुनील गावस्कर, कपिल देव जब कप्तान थे उनके टाइम पे भी काफ़ी सारे, आपको लगता है एमएस धोनी के दौरान, जब एमएस धोनी कप्तान थे उस दौरान सबसे ज़्यादा लोगों को उनसे परेशानी हुई होगी या किसी को गुस्सा आया हो इस बात पे? नहीं, बहुत सारे युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, सौरव गांगुली, उनसे पहले लक्ष्मण, कई गौतम गंभीर, कई खिलाड़ी नाराज हुए हैं। कई खिलाड़ी गलत थे, कई खिलाड़ी सही भी थे, और ये फैक्ट है, ये मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन फिर वही है ना कि एक लीडर को अब वो डिसीजन लेना है। ये सवाल आया है, ये आया है लक्ष्य का सवाल है, लक्ष्य भारद्वाज, वो बोल रहे हैं हाय ऑल, हाय ऑल, उनकी एक समझदारी थी श्रीलंका में भूवी के साथ मिलके मैच बनाना जिसमें ही हेल्प भूवी टू स्कोर इज फर्स्ट हाफ सेंचुरी, वन ऑफ द बेस्ट। तो ये लक्ष्य पूछ रहे हैं, ये और ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है मुझे ये, और इनफैक्ट ये वर्ल्ड कप से मुझे याद है, इस पिछले वर्ल्ड कप से कुछ ही टाइम पहले की बात थी, और हमें याद है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा हुआ था जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ने 3 बैक टू बैक नॉट आउट रहे थे पूरी सीरीज में। हितेश कह रहे हैं कि आखिरी बार इंडिया की जर्सी में, नहीं सर, अब तो जब रिटायर हो गए तो आपको पता है कि फिर उसके बाद तो चक्र नहीं। मेरे इंस्टाग्राम पे एक सवाल आया है vikrant.gupta73 पे, आयुष के, वो MSD की वो श्रीलंका वाली पारी 183 अमेजिंग पारी थी, उससे पहले जो पाकिस्तान वाली पारी भी आप भूल रहे हैं जो उन्होंने विशाखापट्टनम में खेली थी, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद खुशी, ये इंद्रजीत ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा है vikrant.gupta73 पे। काफ़ी लोग जो हैं, श्रेय पूछ रहे हैं कि रैना का डिसीजन गलत है सही है, उन्होंने सोचा होगा, बट मुझे लगता है रैना को अभी रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। सादिक कह रहे हैं कि मेरी तो यादें हैं कि मैंने मार बहुत खाई है, मैंने MS का हेयर स्टाइल अपनाया था और मुझे घर से बहुत डांट पड़ती थी। ऋतिक यादव मेरे इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं कि ही कैनॉट रिटायर, द गेम इज़ इनकम्प्लीट विदाउट हिम। आपके भी कुछ आ रहे हो? मैं एक्चुअली वही देख रहा था, अपने ट्विटर पे देख रहा था। खैर, ये मतलब एक्सपेक्टेड, जिस हिसाब से हम बात कर रहे थे वही है कि MS धोनी की, अब ये है कि मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों से पूछते हैं, आप लोगों की कोई एक पर्टिकुलर याद हो, हाँ वो जो वर्ल्ड कप का उन्होंने जो छक्का मारा था नुवान कुलसेखरा की बॉल पे, जो जिससे इंडिया को उनका दूसरा वर्ल्ड कप मिला था, उसको छोड़ दीजिए अगर, तो किसी की कोई याद हो। प्रवीण ठाकुर है, इन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे अभी मुझे फॉलो करके मुझे लिखा है कि हमने तो धोनी भाई को लाइव धर्मशाला में देखा था, जहां पे उन्होंने वो आई थिंक इरफान को 4 छक्के मारे थे। अनीश समंतरे हैं, इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे लिखा है, कैन वी एक्सपेक्ट हरभजन सिंह रिटायरमेंट इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स? मैं आपको हो सकता है, मैं अब आपको बता दूं, आप क्योंकि उस वक्त आज तक पे लाइव थे और हरभजन आपसे जुड़े नहीं थे उस वक्त, तो मैं हरभजन सिंह से उनसे पूछा, मैंने उनको कॉल किया कि पाजी आप आज तक पे आएंगे, तो वो आई थिंक ट्रैवल कर रहे थे, उसके बाद वो आए, मैंने उनसे पूछा कि पाजी ऐसा है कि MS धोनी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, बोलते अच्छा, मैंने कहा सुरेश रैना ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, वो हैरान हो गए होंगे, उन्होंने बोला क्या करूं मैं भी कर दूं क्या तो, नहीं क्योंकि वो आज चेन्नई के साथ थे नहीं ना, 19 तारीख को जाएंगे। तौसीफ खान कह रहे हैं, विकी पाजी नो डाउट धोनी वाज अ ग्रेट कैप्टन, बट 2011 के बाद इंडिया ने टेस्ट मैचेस में सब कॉन्टिनेंट के बाहर अच्छा नहीं किया। पता क्या, मुझे धोनी को देख के हमेशा लगता था कि टेस्ट क्रिकेट वॉज नेवर हिज फेवरेट फॉर्मेट, शायद ये एक वजह रही होगी, और उसके बाद आपकी ट्रांजिशन भी हुई, प्लेयर आपके कई आए। तनुज पाठक है, इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज के कहा कि बॉस मैं शाम 7:30 बजे से सिर्फ रो रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। मयंक वशिष्ठ बोल रहे हैं कि अब क्रिकेट देखना बस। अरे नहीं नहीं, राजेश मारवाई कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल तो था ही, 10,000 रन्स इन ODIs एट 5 डाउन, यत। ये बात तो है, आई विल अग्री। आप कितने ऐसे बैट्समैन बता सकते हैं जो 5 या 6 नंबर पे बैट करने आते हैं और उनके 10,000 से ऊपर रन्स हों ODIs में? सौरभ चतुर्वेदी हैं, उन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे ही रावत राहुल 9 पे लिखा है, अचीवमेंट है जी आपका भी,
कि आपके पास एमएस धोनी का एक साइंड ऑटोग्राफ्ड बैट है। हैं, वाह, बहुत मुबारक। बाय द वे, आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे ना, vikrant.gupta73 पे, ये मैंने तस्वीर डाली है, इसको प्लीज आप लाइक कर दीजिए। इसके कम से कम 1,00,000 लाइक्स तो होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने ये तस्वीर खिंचाई है राहुल, आप ही ने तो खींची है। ये महेंद्र सिंह धोनी ने मेरे वर्ल्ड कप एक्रेडिटेशन पे ऑटोग्राफ किया हुआ है, उनका लास्ट मैच था। ये सारी उम्र मेरे साथ रहेगा, दिस इज सारी उम्र, सारी उम्र। एक और सवाल आया है, ईश पुनीत, डिड यू गाइस नोटिस दैट हाउ ही यूज्ड द सॉन्ग टू से मेनी थिंग्स विदाउट सेइंग एनीथिंग? यस, सॉरी, डिड यू गाइस, वो जो गाना था पल दो पल का शायर हूं जी। और ये भी देखिए क्या कोइंसिडेंस है, महेंद्र सिंह धोनी की वो पहली इनिंग्स जो बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने खेली थी और उसमें भी वो रन आउट हुए थे, और उनका आखिरी जो मैच हुआ है, नीतीश गुरैन, आप नीतीश गुरैन ने अपना सवाल नहीं भेजा है, लंदन से हमें लिख रहे हैं, दिस इज रूह। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि आई थिंक वो भी संकेत भी कह रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे कि सर बहुत रोना आ रहा है। अश्मीत सिंह कह रहे हैं कि हरभजन सिंह T20 अगले साल खेल सकते हैं? नहीं सर, नहीं खेल सकते सर। धोनी की सबसे खास बात क्या लगती है? MSD का नाम सुनते ही एक वर्ड आपके माइंड में क्या आता है? प्लीज टेल, लेजेंड। ये मुझे पवन राठी ने पूछा है। MS धोनी का ना मुझे एक देखिए बड़े अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर थे, फिर चाहे वो उनकी बल्लेबाजी हो, फिर चाहे वो उनकी विकेट कीपिंग हो, सलोनी पारेख भी कह रही हैं कि, फिर चाहे वो उनकी कैप्टेंसी ही रही हो, बड़ी अनऑर्थोडॉक्स रही है। बट सरप्राइजिंगली उन्होंने जब वो आए होंगे, मुझे नहीं लगता बहुत लोग उनसे उन लोगों ने उनको चांस दिया होगा कि यार ये इतना लंबा करियर, किसी ने भी नहीं। गौरव नथानी भी कह रहे हैं कि क्या फेयरवेल मैच हो सकता है? नहीं सर। कुमार आशीष सर, फीलिंग वेरी सैड, हाउ डू एक्सप्लेन MS धोनी? लेजेंड सर, मतलब अचीवमेंट्स तो है ही हैं, बट उन्होंने क्रिकेट के लिए एक नई पौध भी तो तैयार की है। ये कौन है? पिनाकी मोहंती, व्हाट इज द रीजन फॉर सुरेश रिटायर? पर यार मुझे नहीं समझ आया, मेरी सुरेश रैना से कल बात हुई है जब वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं समझ आया वो क्यों इतने इमोशनल हो गए। उत्कर्ष खांडेकर हैं, वो कह रहे हैं कि थैंक यू MSD फॉर वंडरफुल मोमेंट्स, गिविंग अस दोस वंडरफुल मोमेंट्स, लेजेंड नेवर रिटायर्स, यू आर राइट, ये बात तो है। बट मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, मुझे नहीं लगता कि MS धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा अब क्रिकेट से कोई रिश्ता रहेगा। एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट अच्छा आया उनको, पाकिस्तान से आया, पाकिस्तानी हमारे मेरे इंस्टाग्राम पे इन्होंने मुझे भेजा है, इनका नाम है हैनी मैक्स, ये कह रहे हैं कि DRS गुरु मानना पड़ेगा। वही मुझे भी वही बोला कि अब उनकी याद में उनको एक, अगर आप धोनी रिव्यू सिस्टम ट्रिब्यूट देनी है तो DRS को आप धोनी रिव्यू सिस्टम कर दीजिए। शायद सैयद हैं शादानी, वो कह रहे हैं कि बहुत खूब धोनी को बहुत मेरे इंस्टाग्राम पे आके वो भेज रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं। पवन ने भी माही भाई को प्यार, पवन भी वही है, पवन भी वही लिख रहे हैं कि वो जो वर्ल्ड कप का उनका डिसीजन था ऊपर आने का, शायद से वो उनकी सबसे यादगार। नासिर कह रहे हैं कि रवि शास्त्री ने बोला IPL के बाद देखेंगे माही अब क्या होगा। सर वो मैंने आपको पहले बताया, पब्लिक पॉस्चरिंग थी, जब माही क्रिकेट खेलना उन्होंने 1.25 साल पहले बंद कर दिया था तो टीम को पता था, मैंने जैसे आपको पहले बताया टीम को भी पता था, बट ये है कि हाँ पब्लिकली कोई क्यों बोले। मोहम्मद नूरुद्दीन है, सर धोनी सर की सबसे बेहतरीन पारी कौन सी आपके नज़र में? बहुत सारी हैं, ऑफ हैंड एक तो अब नहीं याद आती, बट आई थिंक पहली वाली जो उनका 100 था, पहला वाला पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो राइट देयर एट द टॉप, बिकॉज उन्होंने पहली बार ऐसा करके दिखाया था कि भाई हम मैं कर सकता हूँ। आकाश दुबे, सर धोनी सर ने ये सोचा था कि वो वर्ल्ड T20 खेलना चाहते थे, लेकिन अब देखो मेरा मानना है कि 2-4% उनके जहन में शायद ये रहा होगा कि ये अगर इस साल वर्ल्ड T20 होता और IPL अपने वक्त पर हो रहा होता तो शायद, बट अगेन वो क्रिकेट खेल नहीं रहे थे। आई थिंक इट वॉज अ क्लियर इंडिकेशन। तो आपके सवाल vikrant.gupta73 मेरे इंस्टाग्राम या vikrant.gupta73 ट्विटर, रावत राहुल 9 ट्विटर इंस्टाग्राम पे अभी भी भेज सकते हैं। लाइव 17,000 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, 17,000 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आई एम श्योर आप हर कोई जो है वही सबके जहन में एक ही चीज होगी कि आज क्यों, आज ऐसा क्या दिन था कि महेंद्र सिंह धोनी ने आज रिटायरमेंट, क्या आज इंडिपेंडेंस डे था, 15 अगस्त था, यही रीजन मुझे था? लगता है शायद वो इकट्ठे हुए होंगे चेन्नई सुपर किंग्स, अपने दोस्तों के साथ मिले होंगे, तो शायद उन्होंने सोचा होगा चलो यार आपको लगता आज अनाउंस कर देता हूँ, आप चलो यार, ये नहीं कि मैं कर देता हूँ, चलो यार कि अनाउंस कर देता हूँ। ये है मनमोहन
धोनी है संभाल लेगा, विल बी इररिस्पेक्टिव, हाँ कि महेंद्र सिंह धोनी ने बैटिंग करने आना है। ऐसे हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी को लगा हो क्योंकि वो उस वर्ल्ड कप की नहीं फेयरवेल मैच नहीं होगा, उस वर्ल्ड कप के बाद से आज वो पहली बार उनको लगा कि भाई आईपीएल होगा, पब्लिक आई में आएंगे, लोगों से उनको सवाल भी देखने को मिल सकते हैं एज कैप्टन ऑफ सीएसके, और लोग वहां सवाल उनसे पूछेंगे। उन्होंने कहा कि भाई खत्म कर दो ना कहानी आज। तन्मय कह रहे हैं कि, और उन्होंने रावत राहुल 9 विक्रांत और गुप्ता 73 दोनों पे आस्क स्पोर्ट्स तक हैशटैग के साथ ट्विटर पे भेजा है, इंस्टाग्राम पे। आई रिमेम्बर हिज सेंचुरी इन कटक विद युवराज सिंह। अभिनव कह रहे हैं कि मोहसिन खान कमेंट्स अबाउट एमएसडी रिटायरमेंट, ही सेज उन लोगों ने एमएसडी को भी जबरदस्ती रिटायर करवा दिया है जिन्होंने रिजवान, अच्छा वो पता नहीं सर, वो मोहसिन और रिजवान, अच्छा आप उनके यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं, पता नहीं सर, बट किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं किया है मोहसिन भाई, अगर आपको भी लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेखर रेड्डी जी थैंक यू वेरी मच आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। विजय रैना कह रहे हैं कि धोनी प्लस रैना, मेरे लिए क्रिकेट का जुनून खत्म हो गया है, आई हेट क्रिकेट बट आई लव यू बोथ। नहीं डोंट हेट क्रिकेट सर, क्रिकेट के साथ प्यार कम नहीं करना। नरेंद्र ऑफिशियल कामेश धोनी विकेट कीपर या कैप्टन? कैप्टन आई थिंक। धोनी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन चुके थे बाय द टाइम उन्होंने रिटायरमेंट ली, और इंस्टीट्यूशन मतलब आप उनको देख के आप पढ़ सकते थे कि यार कैसे। राठी जी आपका नाम ले लिया है सर, वाज इट अ प्लान ऑफ धोनी एंड रायना फॉर सेम डे पिनाकी मोहंती? आई डोंट नो, उस वक्त जब इनकी बात हुई होगी तो दोनों ने डिस्कस तो किया ही होगा। भरत कुमार का फेवरेट मोमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी का, मैं था वहां पे और आई थिंक इंडिया हारते हारते जीत गया था और उसमें उनका मास्टर स्ट्रोक था अश्विन से वो बॉल कराना, ईशांत ने बड़ा अच्छा ओवर डाला था एक, मुझे याद है। धोनी को हम खो चुके हैं ये लिख रहे हैं लिख मरम जीत। सर आप धोनी को खोया नहीं है, हमने धोनी को पाया है हमेशा। अभी तो आप आईपीएल में उनको एंजॉय कीजिए और क्या, अब मेरे को लगता है आप धोनी भी एंजॉय करेंगे पता है। और अभिषेक कह रहे हैं दैट रन आउट बाय इशपुनीत सिंह सर, बांग्लादेश वाला, यू आर राइट, सॉरी यार सुनी इशपुनीत जी बट अच्छा सॉरी इशपुनीत, सॉरी यार हो सकता है, आज तकरीबन 18,000 लोग लाइव हैं इस वक्त, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी फटाफट फॉलो कर सकते हैं आप लोग हमें। मेरी एक तस्वीर है, राहुल जी ने मुझे तस्वीर खींचते वक्त ये कहा था कि पाजी ये 1,00,000 लाइक्स जाएगी, मेरी तो कभी इतनी नहीं जाती है और 8500 हो गए हैं 39 मिनट में। वैसे ये जो एक्रेडिटेशन है देखिए वर्ल्ड कप का, ये सेमीफाइनल से पहले ध्याम का एक सवाल है, दिव्यम हिज इनिंग्स अगेंस्ट पाकिस्तान 113, रैना ने 43, चेन्नई वाले, हाँ ये सर उन्होंने ऑटोग्राफ किया था, इंसिडेंटली टर्न्ड आउट टू बी हिज लास्ट गेम। और ये देखिए, तो ये मैंने अभी अभी पोस्ट डाली है, देखते हैं 1,00,000 लाइक्स आप कह तो रहे हो। उनका पता सबसे बड़ी बात क्या थी, डिफरेंसेस हो भी जाते थे ना तो वो उसको देखने नहीं, मतलब मीडिया के साथ भी, जैसे मेरे साथ भी उनका हुआ था डिफरेंसेस हुए थे, बट उन्होंने कभी रिलेशनशिप में वो डालने उसको नजर नहीं आने दिया, दिखने नहीं दिया। जी खैर, और कुछ अपने इंस्टाग्राम से मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ। मोहम्मद ममनूर इस्लाम है, धोनी शुड बी विद इंडिया साइड एटलीस्ट टिल 2021 वर्ल्ड कप। पिनाकी मोहंती जी पूछ रहे हैं एनी रिएक्शन फ्रॉम दादा। देखिए दादा की तरफ से ये बात आई है कि दादा को दोपहर में एमएस धोनी ने ये बात बता दी थी कि वो रिटायरमेंट आज अनाउंस कर रहे हैं। क्या अब सवाल ये उठता है शुभम शर्मा का कि जी क्या आईपीएल 2020 धोनी का लास्ट आईपीएल होगा? नहीं, मुझे लगता है अगला खेलेंगे, कम से कम अगला तो खेलेंगे। जी क्योंकि कुछ ही महीनों में है। अभी निगम कह रहे हैं कि प्लीज आस्क सुरेश रायना कि उन्होंने रिटायरमेंट क्यों कर लिया, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, बट मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ। मेरी कल सुरेश रैना से बात हुई है दोपहर को जब वो यहाँ से दिल्ली से जा रहे थे और दूर दूर तक इस तरह का कोई अंदेशा भी नहीं था। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, आज जब ये खबर शुरू हुई, जैसी सुरेश रैना का इंस्टाग्राम मैसेज आया तो ऑब्वियसली थोड़ा तो सबको ही हो गया था, सब हलचल मचनी शुरू हो गई थी, तो मैंने उनको मैसेज भी डाला, कॉल करने, मेरे भी मैसेज का जवाब नहीं दिया, कॉल करने की भी कोशिश करी बट वो रिप्लाई नहीं आया उनसे, तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो मैंने उनके एक मैनेजर हैं
उनके साथ जो उनका काम भी देखते हैं, मैंने उनको कॉल किया, उनको भी नहीं पता था, उन्होंने कहा वो जिम में। बट उन्होंने अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली प्रियंका से जरूर बात की होगी। एक हमारे मेरे इंस्टाग्राम पे दोस्त हैं ऋषभ चोपड़ा, उन्होंने अभी अभी फॉलो किया और वो कह रहे हैं कि पाजी 1 लाख नहीं, इस पे तो 1 करोड़ लाइक्स हम कर देंगे। अच्छा जी, देखते हैं सर। ऋतिक राज ने एपी यादव, नहीं ऐसा नहीं है, आपके पास भी उनकी यादें हैं यार, ऐसा मत कहिए सर। अकॉर्डिंग टू मी हिज बेस्ट, ये सारांश उनकी बता रहे हैं सिद्धार्थ। अमित पाठक जी, मैंने आपका वो बता दिया है कि आप तब से रो रहे हैं। आई नो, हाँ उन्होंने मुझे भी इंस्टाग्राम पे रावत रावत, बहुत सारे लोग होंगे जानने के बावजूद मतलब उनका दिल टूटा होगा सर। क्रिकेट इमोशन है, ये कौन पूछ रहा है? कलाल निलेश कह रहे हैं कि कोई मेरा ऐसा इंटरव्यू जो हम अपलोड कर सकते हैं। सर मैंने एक इंटरव्यू जो उनका पहला इंटरव्यू किया था मैंने 2005 में जब उन्होंने 183 बनाए थे, तो वो है स्पोर्ट्स तक पे। अगर आप, मैं स्पोर्ट्स तक की टीम को कहता हूँ दोबारा से उसको डालने का। पिनाकी कमेंटेटर तो मुझे मुश्किल लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो कमेंट्री वगैरह में जाए। मुझे भी लगता है कि एमएस धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा अब कोई एसोसिएशन रहेगा। अभी वो क्रिकेट से दूर जाएंगे, आप देखना, क्रिकेट से दूर ही जाएंगे वो। अभी 15 मिलियन होगा विक्रांत सर। थैंक यू परेश जी, थैंक यू। सोहेब शेख हैं वो बोल रहे हैं सर, बिग फैन एंड फ्रॉम सऊदी अरेबिया। मैं याद उनकी 2013 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड के मुंह से जीत निकाल ली थी हमने। अच्छा, अंदेश प्रताप है, उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे लिखा है, कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2014 जब धोनी ने स्ट्राइक कोहली को दी थी विनिंग रन के लिए, मुझे याद है उन्होंने लास्ट ओवर खेल दिया था और विराट ने कहा था क्या पाजी ये खत्म करो यार, तो धोनी ने कहा था यू प्लेड दिस इनिंग यू फिनिश इट ऑफ। उसके बाद दोनों एक साथ गए थे जब अनबीटन। तो फिलहाल इजाजत लेते हैं जी। आप बड़ा और इवेंट, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी इस वक्त, आपने देखी होंगी सुनील गावस्कर क्या कहते हैं, हरभजन सिंह क्या कहते हैं, मदन जी क्या कहते हैं, वो सब चीजें आपको जरूर देखने को मिलेंगी। स्पोर्ट्स तक के साथ रहिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करने का ये तो फायदा होना, सारी खबरें आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स तक पे मिलती हैं। नॉलेज गेमर का बार बार कहता हूँ, नॉलेज गेमर क्या गेमर का जाते जाते सवाल ले लीजिए। क्या है वो बोल रहे हैं, फेवरेट मोमेंट वाज हगिंग हिम इन फ्रंट ऑफ ईडन गार्डन्स। किसको? आपका तो नहीं, आप तो दादा से पता नहीं। तो जी फिलहाल हम क्या करते हैं, स्पोर्ट्स तक पर आपको एमएस धोनी के बारे में सब कुछ मिलेगा, आपको सुरेश रायना के बारे में बहुत कुछ मिलेगा, और अभी थोड़ी देर बाद जैसे आप बोल रहे हैं आपका एक बहुत पुराना एक इंटरव्यू भी है एमएस धोनी के साथ जो वो है, अगर स्पोर्ट्स तक वाले दोबारा उसको डाल दें जी, मैं जय को अभी कहता हूं दोबारा डाल दें। और मीनवाइल आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, आप लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स हैं, vikrant.gupta73 आपका इंस्टाग्राम है और vikrantgupta73 आपका ट्विटर हैंडल है। और अगर मुझे आप फॉलो करना चाहें, कोई सवाल हो तो आप रावत राहुल 9 पर, यही मेरा इंस्टाग्राम भी है और यही मेरा ट्विटर भी है, आप मुझे भी आप इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो और सवाल भेज सकते हैं। जाते जाते लक्ष्य भारद्वाज, सर ऋषभ को जिम्मेदारी लेनी होगी बिकॉज आईसीसी फेलियर्स का रीजन उनमें पेशेंस ना होना है। बट धोनी ने उनको ग्रूम किया है बाय द वे, मैं आपको ये बता दूं जी। और अनिरुद्ध है, वो बोल रहे हैं मेरा नाम अनिरुद्ध है, क्या धोनी जैसा कोई दूसरा कैप्टन कूल और फिनिशर है? अभी तो नहीं है। आई थिंक कपिल देव को भी आप एक कैप्टन कूल मान सकते हैं। मैं तो नहीं, कपिल पाजी कैप्टन कूल नहीं थे, वो फिर भी, पर वो जमाना भी डिफरेंट था। मैं बट फिर भी आप मतलब रेयरली ऐसा होता है कि देखा होगा कि आपने कभी उनको एनिमेटेड या एक युग खत्म हो गया आज, वो जो मेरे ख्याल में गोल्डन फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट का वो एक हिस्सा थे, लास्ट थे वो। विराट वगैरह तो बाद में आए ना, विराट वगैरह बाद में आए, उसमें अश्विन विराट ये सब बाद में आए, वो जनरेशन आज खत्म होगी जिसमें सुरेश रैना भी थे बाय द वे, सुरेश रैना उस जनरेशन का हिस्सा थे जी। तो अलविदा, अलविदा जी, आपको सब कुछ मिलेगा स्पोर्ट्स तक पे कल से, कल तो हम बहुत कुछ, कल तो ऑफिस जाके बहुत कुछ आपके लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। प्लस ध्यान रखिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बिकॉज सारी खबरें आपको यहीं पर मिलती हैं। चौधरी जी, चलिए सर, बाय बाय, गुड नाइट सर।